नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं राजन अग्रवाल। आज समाज जो आईटीवी नेटवर्क का अखबार है, इसकी खबरों की हम बात करेंगे कि आज 19 अगस्त के अखबार में किन किन खबरों को प्राथमिकता दी गई है। सबसे पहली खबर जो लगाई आज समाज ने लिखा है, पूर्वी और मध्य भारत में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी। आज और कल दो दिनों की आशंका जताई गई है कि बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में कम दबाव का क्षेत्र बना है, जिसकी वजह से मौसम विभाग ने यह पूर्वानुमान जारी किया है। तो सप्ताहांत यानी शनिवार और रविवार को दिल्ली और एनसीआर में खासतौर से जोरदार बारिश के आसार जताए हैं। और अगली खबर जो इसमें है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत विरोधी कंटेंट फैलाने वाले 8 यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिए हैं, और इससे पहले अप्रैल में भी 16 चैनल ब्लॉक किए थे। इस खबर को आज समाज ने प्रमुखता से छापा है। साथ ही एक खबर लगाई है इसके साथ में, ईडी ने मुख्तार अंसारी और एनआईए ने आतंकियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। आतंकवाद व माफिया पर शिकंजा। बताया है कि बांदा जेल में अंसारी बंद हैं और वहां लगभग 49 केस उन पर दर्ज हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के रायगढ़ में नाव मिलने वाली खबर भी बॉक्स में लगाई है, जिसमें तीन AK-47 मिली थी और साथ ही बुलेट्स भी थी। तो ये खबर भी प्रमुखता से है। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में बाहरी लोग मतदान कर सकेंगे, इस खबर को भी अखबार ने पहले पन्ने पे प्लेस किया है, बड़ी खबर लगाई है। और साथ ही आज जन्माष्टमी है, कई जगहों पे कल भी मनाई गई, तो उसकी एक फ़ोटो कर्नाटक से छापी है और बच्चों के उसमें प्रतियोगिताओं की फ़ोटो इसमें तस्वीर लगाई है। एक खबर और है, मंदिर में विराजेंगे भगवान कृष्ण, एक बार में 10,000 लोग कर सकेंगे दर्शन। ये खबर कलकत्ता से है और बताया जा रहा है कि ये बंगाल में बन रहा विश्व का सबसे बड़ा मंदिर और काम इसका अंतिम चरणों में है। इस पर करीब 1,000 करोड़ रुपए खर्च होने की का अनुमान है, एक खबर ये इस पर लगाई है। और एक खबर जो महत्वपूर्ण ऊपर सिंगल कॉलम में लगाई है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्लेस दिया है, राजू श्रीवास्तव जो कॉमेडियन हैं, प्रसिद्ध हैं देश भर में, उनका नाम है और कई वर्षों से वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लोगों को हंसाने का काम कर रहे हैं। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है, एम्स में बताया जा रहा है कि अब उनके लिए दुआओं का दौर शुरू हो गया है। डॉक्टर्स ने भी कहा है कि उनकी हालत नाजुक है, उनको हार्ट अटैक की वजह से एम्स में भर्ती कराया गया था, वो दिल्ली आए थे देश के बड़े नेताओं से मिलने के लिए। और साथ ही एक खबर जो लगाई है, वो खबर ये है कि रूस में 10 बच्चे पैदा करने पर मिलेंगे 13 लाख रुपये। दरअसल वहाँ की जनसंख्या लगातार गिर रही है, कम होती जा रही है, जिसके बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस संकट से निकालने के लिए महिलाओं को ये ऑफर दिया है कि अगर 10 बच्चे पैदा करते हैं तो 1 अरब रूबल, जो हमारे यहाँ 13 लाख रुपए करीब होते हैं, वो दिए जाएंगे और ऐसी महिलाओं को मदर हीरोइन नाम का अवार्ड भी दिया जाएगा। यह है कि द्वितीय लिखा है अखबार में कि सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी महिलाओं को यह अवार्ड दिया जाता था, उस समय भी रूस की जनसंख्या तेजी से घट रही थी, लेकिन 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद से ये अवार्ड देना बंद कर दिया गया। तो ये 15 अगस्त को इस तरीके का एक फरमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जारी किया है कि 10 बच्चे पैदा करिए और 13 लाख रुपये का इनाम पाइए। ये पहले पन्ने की खबरें हैं। और दूसरे पन्ने पर आज जन्माष्टमी है, उसकी अच्छी बड़ी कवरेज की गई है, पूरा पन्ना करीब करीब भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और कैसे शुक्रवार की तिथि फलदायक है, इसकी जानकारी इसमें दी गई है और पूरा पन्ना जन्माष्टमी को समर्पित है। जो दिल्ली वाला पन्ना है, पेज नंबर 3 है, इसमें वार प्रतिवार और पलटवार, दरअसल केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो बयानबाजियाँ चल रही हैं उसकी डिटेल्स हैं इसमें। रोहिंग्या मुसलमानों को दिल्ली में बसाना चाहती थी केजरीवाल सरकार, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है। बीजेपी के अध्यक्ष गुप्ता जी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ा उस पर आरोप लगाया आम आदमी पार्टी पर। वहीं उसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान भी है कि फ्लैट किसने दिया, फ्लैट देने का आदेश गृह मंत्रालय जाँच करे, ये खबर इसमें लगाई है। तो एक अच्छी सी प्लेसिंग है खबर की रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर कि दिल्ली में कौन बसाना चाहता था या किसने क्या आरोप लगाए हैं, किसने क्या पलटवार किया, वो खबर डिटेल में है। और एक खबर साथ में लगाई है कि राजस्थान में दलित बच्चे की हत्या के विरोध में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस मुख्यालय का घेराव किया है, ये भी एक खबर है।
और इसके अलावा खबर एक, केजरीवाल का मॉडल देखने के लिए बिहार से दिल्ली पहुंची टीम। ये खबर ठीक है कि नीतीश कुमार सरकार में शिक्षा मंत्री बनने के बाद चंद्रशेखर उनके के साथ साथ कई अधिकारी यहाँ पहुंचे थे और इस दौरान केजरीवाल ने ट्वीट कर उनका स्वागत किया कि अगर सब एक दूसरे से सीखेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। ये केजरीवाल का ट्वीट है। और जो बारिश का जो पानी यमुना नगर से छोड़ा गया वहाँ हथनी कुंड बराज से, तो वो पानी दिल्ली पहुँच गया जिसकी वजह से जो लोग सड़क किनारे रहते थे उधर निचले इलाकों में यमुना के डूब वाले इलाके में, उन लोगों को सड़क पर आना पड़ा है। वो अभी आवास अब उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया है काम। तो ये खबर इसमें लगाई है। और कनॉट प्लेस में आज से फूड फेस्टिवल शुरू हो रहा है, एक खबर ये सिंगल कॉलम में लगाई है। हरियाणा के पेज पे आते हैं, बात करते हैं तो पहली खबर हरियाणा में लगाई है, IMT से हजारों युवाओं को लाभ मिलेगा। राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा का ये बयान है, जो मुख्यमंत्री ने परसों इसको मंजूरी दी थी कि अंबाला में अब IMT बन जाएगा। उस खबर को लेकर लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी। उन्होंने कहा है कि CM का धन्यवाद किया है कार्तिक शर्मा ने, और लिखा है, कहा उनके हवाले से अखबार लिखता है कि IMT के आने से यहाँ के युवाओं को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, हजारों युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। ऊपर पहली खबर लगाई है। और अगली खबर, हथनीकुंड डैम की प्राथमिक रिपोर्ट को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है, डैम निर्माण का प्रोजेक्ट आगे बढ़ गया है। ये एक बड़ी खबर पांच कॉलम में लगाई है फोटो के साथ। मुख्यमंत्री ने जो मंजूरी दी है, इसमें लिखते हैं अखबार में, केंद्रीय जल आयोग और 5 राज्यों को भेजी जाएगी हथनीकुंड डैम से जुड़ी प्राथमिक रिपोर्ट। और ये प्रोजेक्ट जो है हथनीकुंड डैम, प्रदेश सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, मनोहर लाल जी के हवाले से ये खबर अखबार ने लगाई है। और मुख्यमंत्री ने जन्माष्टमी पर जनता को, देश भर के प्रदेश और देश की जनता को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही सरकारी कॉलेज में जो असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर हैं उनके लिए एक संशोधित ऑनलाइन ट्रांसफर नीति तैयार हो गई है, ये खबर चार कॉलम में लगाई है। और एक बड़ी खबर जो इसमें लगाई है आज समाज ने अपने हरियाणा के पेज पे, अहिरवाल बेल्ट में राव इंद्रजीत की घेराबंदी में लगी भाजपा हाईकमान। दरअसल भूपेंद्र यादव के बाद सुधा यादव को जिस तरीके से शामिल किया गया है संसदीय बोर्ड में और चुनाव समिति में, तो उसके बाद इस तरीके की एक खबर है कि 15 अगस्त को राव इंद्रजीत ने जिस तरह प्रदेश सरकार पर और हरियाणा बीजेपी संगठन पर हमला बोला था, उसको लेकर के जो सुधा यादव को और भूपेंद्र यादव को रखा गया है केंद्रीय संसदीय बोर्ड में और चुनाव समिति में, तो उसकी एक बड़ी खबर इस पर है। आप इस खबर को aajsamaj.com पर भी देख सकते हैं, वेबसाइट पर जाकर पूरा अखबार आपके सामने आ जाएगा। पंजाब का पन्ना है, हर नौजवान को रोजगार देना हमारा लक्ष्य, मुख्यमंत्री भगवंत मान के हवाले से खबर छापी गई है। सारी भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से होगी, ये भगवंत मान का कहना है, अखबार ने इसको प्रमुखता के साथ छापा है। इसके अलावा अमन अरोड़ा के हवाले से खबर है, प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए बढ़िया माहौल सृजन करने के लिए वचनबद्ध है सरकार। ये खबर अच्छी खबर और है कि अब सरकारें वचनबद्धता की तरफ बढ़ रही हैं और जनता को जागरूक करते हुए अच्छी खबरें लगा रहे हैं कि उद्योगपतियों की समस्याएं सुनते हुए उन्होंने डेराबस्सी में ये बात कही है अमन अरोड़ा ने। और इसके अलावा एक खबर है पंजाब की ही, CBI के पास जा सकती है स्कॉलरशिप घोटाले की जांच, CM के पास मामला पहुंच गया है, फाइल उनके पास पहुंच गई है। ये SC/BC विद्यार्थियों के लिए लागू पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के मामले की जांच CBI से कराने पर सहमति बन गई है, ऐसा अखबार ने लिखा है। और पटियाला से खबर है, बिजली चूंकि फ्री है पंजाब में 300 यूनिट तक, जैसा पंजाब सरकार ने वादा किया था चुनाव से पहले, तो बिजली चोरी करने पर 94,942 रुपये का जुर्माना पटियाला में, पटियाला के शेखपुरा कंबुआ स्थित एक घर में कुंडी से ये बिजलियां चोरी गई है, जो लगाते हैं चोरी करने के लिए, ये लगाया गया है बिजली चोरी पर 95,000 रुपये का जुर्माना ये लगाया गया है। और अगला पेज मेडिकली स्पीकिंग का है, कीटो डाइट के फायदे ही नहीं नुकसान भी होते हैं, इसमें 2-3 चीज़ें अलग अलग। कॉम्बो ब्रेकफास्ट डाइजेशन वजन घटाने में काम कारगर है। अब कॉम्बो ब्रेकफास्ट क्या होता है, इसके लिए आपको आज समाज की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, उसके डिजिटल उस पर संपर्क करना पड़ेगा। और मच्छरों से बचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्रीम या ऑयल, तो सावधानी की एक खबर है कि कैसे ये चीज़ें आपको नुकसान भी कर सकती हैं, एलर्जी हो सकती है, इससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। देश के पन्ने की बात करते हैं, बहुत दिनों के बाद डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता हैं, बहुत सीनियर नेता हैं, वो एक पुस्तक का लोकार्पण कर रहे थे और उन्होंने वहाँ कहा है कि कृषि और किसानों के बिना नहीं हो सकता देश का विकास। दरअसल जो किताब उनके हाथ में थी जिसका वो लोकार्पण कर रहे थे, वो किताब
विनोद अग्निहोत्री नाम के लेखक ने लिखी है, सीनियर पत्रकार रहे हैं, और इसमें खेती किसानी पर भी बात की गई है इस किताब में ज़्यादा से ज़्यादा। तो जोशी जी के हवाले से लिखता है अखबार कि इस सृष्टि के अस्तित्व में अन्न का महत्व समाहित है, इसलिए अन्न और अन्न उत्पादक किसानों का सम्मान किया जाना चाहिए, ये खबर है। और बिहार से एक खबर अहम है कि जेडीयू एमएलए जो बीमा भारती हैं उनके बागी तेवर को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दो टूक है, समझ जाएं नहीं तो जहां जाना है वहां जा सकती हैं। इसमें नीतीश कुमार ने कहा है कि पहले भी उनको दो बार मंत्री बनाया जा चुका है, पार्टी उन्हें समझाएगी, लेकिन अगर वो नहीं मानती हैं तो जहां वो जाना चाहें वहां जा सकती हैं। एक खबर है पटना कंकड़बाग में सेना के जवान की गोली मारकर हत्या, और इस खबर को पटना में अपराध का ग्राफ बढ़ने से जोड़कर देखते हुए ये खबर लगाई गई है। और यूपी के लिए एक अच्छी खबर है, कनाडा ने जताई यूपी में शिक्षा, इंफ्रा और लॉजिस्टिक में निवेश की इच्छा। तो इसमें जो कनाडा के उच्चायुक्त हैं उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, ये खबर पांच कॉलम में फोटो के साथ लगाई गई है। और ये विदेश का पन्ना है, चीन में गर्मी से लोग बेहाल हैं और कोशिश की जा रही है कृत्रिम बारिश करवाने की तैयारी में चीन की सरकार जुटी है, और इस गर्मी का असर वहाँ के उद्योगों पर देखने को मिल रहा है, बिजली की कटौती भी बढ़ गई है जिसकी वजह से और समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। ये खबर टॉप में है, पूरे छः के छः कॉलम में खबर लगाई है अखबार ने, आठ कॉलम में बल्कि। और अगली खबर है उत्तरी अल्जीरिया में जंगल में आग लग गई है जिसमें झुलसने से 26 लोगों की मौत, पूरा ये बड़े फॉन्ट साइज में अखबार ने छापा है। और साथ ही ताइवानी सीमा में चीन के 22 जेट फाइटर्स तैनात हो गए हैं, पाँच युद्धपोतों की घुसपैठ की खबर है, बीजिंग ने बढ़ाई हरकतें, ताइवानी सीमा पर बहुत अभी गर्म मामला है। और काबुल की मस्जिद में धमाका हुआ है, 21 लोगों की मौत हो गई है, इस खबर को भी अखबार ने प्राथमिकता के साथ छापा है। और एक खबर लगाई है ब्रिटेन में महंगाई की मार हो गई है, दरअसल ब्रिटेन की मुद्रास्फीति दर जुलाई में बढ़कर 40 साल के नए उच्चतम 10.1% तक पहुंच गई है। क्यों पहुंची है? क्योंकि खाद्य पदार्थों में और ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से ऐसा हुआ है, तो जिसकी वजह से वहां महंगाई बढ़ गई है। और क्रिकेट के पन्ने पर, खेल समाज के पन्ने पर जो है, सूरज ने वो कर दिखाया जो 32 वर्षों में कोई पहलवान नहीं कर सका। सूरज को आप जानते हैं शायद, पिछले दिनों वर्ल्ड कैडेट कुश्ती में सूरज ने गोल्ड जीता था, और खास इसीलिए है कि सूरज बहुत ही गरीब परिवार का लड़का है और इसके पिता एक स्कूल में चौकीदार थे और माँ स्कूल में बच्चों को पानी पिलाने का काम करती थी, और दुर्भाग्य से देखिए कि कोविड के समय में उसके पिता की ये नौकरी भी चली गई थी, लेकिन पिता ने हार नहीं मानी और सूरज के सपने को साकार करने की कोशिश में लगे, और आखिरकार 32 साल के बाद सूरज ने वो चमक हासिल की है जो 32 साल पहले पप्पू यादव नाम के खिलाड़ी ने भारत में भारत को पदक दिलवाया था। तो ये खबर सूरज के नाम से, सूरज ने वो कर दिखाया जो 32 वर्षों में कोई पहलवान नहीं कर सका, अखबार ने प्रमुखता से लगाई है। और भारत ने जिम्बाब्वे को कल 10 विकेट से हरा दिया है, ये खबर भी बड़ी खबर लगाई है। धवन और शुभमन गिल की शानदार 50, गेंदबाजी में अक्षर, दीपक और कृष्णा को 3-3 विकेट की खबरें हैं। और इसके अलावा माइक टाइसन व्हीलचेयर पर दिखाई दिए हैं, तो उस खबर को भी दिखाया है। माइक टाइसन कभी मुक्केबाजी में बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे और अब वो व्हीलचेयर पे हैं, तो उस खबर को उन्होंने दिखाया है। और महाराष्ट्र में दही हांडी को खेल का दर्जा दे दिया गया है, इस खबर को भी अखबार ने प्रमुखता से लगाया है। और साथ ही एक खबर बीसीसीआई के हवाले से है, अंपायरों का टेस्ट लिया था बीसीसीआई ने 140 में से 140 में से 137 अंपायरों का टेस्ट देने वाले लोग फेल हो गए, मतलब सिर्फ 3 लोग पास हुए हैं बीसीसीआई के इस अंपायरिंग के टेस्ट में। बिजनेस पेज पर जो पहली खबर है, समन भेजने या गिरफ्तारी की जल्दबाजी न दिखाएं जीएसटी अधिकारी, सीबीआईसी का निर्देश है। दरअसल जो टैक्स चोरी करने वाली कुछ कंपनियां होती हैं उनको तत्काल प्रभाव से ऐसे नोटिस भेज दिया जाता है, समन भेज दिया जाता है, तो ऐसे में सीबीआईसी ने कहा है कि असाधारण परिस्थिति में ही गिरफ्तारी करने की सलाह दी है। सीबीआईसी कहती है कि समन जारी करना विभाग के पास एक साधन है, लेकिन यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि इस तरह की शक्ति का प्रयोग उचित विचार और विवेकपूर्ण तरीके से किया जाए। जो दूसरी खबर लगाई है बिजनेस पेज पे आज समाज ने, वो लिखता है कि भारतीय रेल ने देश की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल किया है, करीब 3.5 किलोमीटर लंबी सुपर वासु की मालगाड़ी 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ के कोरबा से चली और नागपुर के राजनांदगांव के बीच 27,000 टन कोयला लेकर
सफर किया था। इस मालगाड़ी में 295 डब्बे थे, बताया जा रहा है। रेलवे ने बताया है कि एक स्टेशन से गुजरने में इस मालगाड़ी को करीब करीब 4 मिनट का वक्त लगा था। इसका वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, तो ये एक अच्छी खबर है। और टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा कि दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियां अपनी 5G सेवाओं की लॉन्चिंग में तेजी लाएं, ऐसी अपील उन्होंने की है। ये खबर महत्वपूर्ण खबर है जो आज समाज ने अपने बिजनेस पेज पर लगाई है। तो आपको आज समाज का विश्लेषण कैसा लगा? अगर ठीक लगा हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।